सबसे पहले हम ई मित्र डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम अवेल सर्विस में सर्च करेंगे जन आधार, ये लिख के हम यहाँ पर सर्च कर देंगे। तो जन आधार एनरोलमेंट सीडिंग ये ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये जन आधार की वेबसाइट पर पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी पोर्टल पर। उसके बाद में एनरोलमेंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एड मेंबर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर रसीद संख्या या जन आधार संख्या या आधार संख्या ये दर्ज करके आप सर्च कर लेंगे। तो हमारे पास में जन आधार संख्या है तो हम जन आधार नंबर एंटर कर लेंगे। चलिए जन आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम खोजे पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। 18 साल से ऊपर के किसी भी एक सदस्य की KYC करेंगे तो ई KYC आधार पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप बायोमेट्रिक या OTP किसी भी माध्यम से आप ई KYC करेंगे। तो हमारे पास में हम OTP पर क्लिक कर देंगे तो OTP भेज दिया गया आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पर। OTP एंटर करेंगे और OTP वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जन आधार की डिटेल खुल जाएगी। उस सदस्य का आधार नंबर एंटर कर लेंगे जिसका हम नाम ऐड कर रहे हैं। तो चलिए आधार नंबर एंटर कर लिया, बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर KYC करने के लिए बोला जाएगा कि आप ई KYC करना चाहते हैं। तो ओके पर क्लिक कर देंगे। आधार संख्या दर्ज करने के लिए ई KYC अनिवार्य रहता है। इस आधार को उपयोग में लेने के लिए कृपया आधार ई KYC पूर्ण करें। तो यहाँ ई KYC आधार पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम OTP या बायोमेट्रिक से ई KYC कर लेंगे। तो हम OTP भेज दिया है रजिस्टर्ड मोबाइल पर, तो वो OTP हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद में OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर ई KYC कम्प्लीट सक्सेसफुल इस तरह का आपको मैसेज मिल जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ नाम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार ई KYC द्वारा नाम, लिंग और जन्म तिथि प्राप्त करने के लिए कृपया इस सदस्य के लिए इसी डाटा का उपयोग करें। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो इसका डाटा आधार से आ जाएगा। उसके बाद परिवार के मुखिया से संबंध सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पिता का नाम दर्ज करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फादर्स नेम इंग्लिश में दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में मदर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम इंग्लिश में दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अल्पसंख्यक श्रेणी यस या नो सेलेक्ट कर लेंगे। परिवार कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। जाति सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर ये अनिवार्य है तो मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे हम। उसके बाद में बाहर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे तो OTP इंटर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे, आपका OTP वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और सदस्य जोड़ें यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका सदस्य ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम नीचे आएंगे और क्या आपका परिवार पूरा हो गया है, यहाँ पर हाँ कर देंगे। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे हम, शॉर्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे या जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, और आधार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आधार भी हम अपलोड कर लेंगे। दस्तावेज अपलोड करें यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो आपके सभी दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ई KYC करेंगे मुखिया की, ई KYC पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सदस्य को सेलेक्ट कर लेंगे। ई KYC आधार पर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट या फिर OTP के माध्यम से आप ई KYC पूर्ण करेंगे। तो OTP भेज दिया है, OTP हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद OTP मान्य पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, प्रिंट पर क्लिक करके इस रिसिप्ट का आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप जन आधार में नया सदस्य ऐड कर सकते हैं।